खंडित श्रेणी देख लिए थे, अखंडित श्रेणी देखे थे, फिर बारंबारता बंटन देख रहे थे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें खंडित बारंबारता बंटन का उदाहरण देखे थे ना, खंडित बारंबारता। अब हम लोग अखंडित बारंबारता बंटन देखेंगे, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अखंडित बारंबारता बंटन कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो इसके पहले हम लोग खंडित वाला देखे थे, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें ये था कि जो हमारे पास मूल्य था और जो उसकी बारंबारता थी, है ना। जैसे क्या हम देखे थे, कई कल उदाहरण जो लिए थे कि परिवारों में पुरुषों की संख्या के आधार पर देखे थे, है ना। तो उसमें हम लोग क्या निकाले थे कि जो हमारे पास मूल्य था, चर था, वह जैसे एक पुरुष कितने परिवार में है, बारंबारता, बारंबारता मतलब एक पुरुष वाले कितने परिवार हैं, तो जैसे तीन आया, दो पुरुष वाले कितने परिवार हैं, चार आया, तीन पुरुष वाले कितने परिवार हैं, पाँच आया। तो इसमें क्या था कि जो वैल्यू थी वो फिक्स थी, है ना, एक मूल्य के लिए बारंबारता मिल जा रहा था। लेकिन जो अखंडित श्रेणी होती है, अखंडित बारंबारता, उसमें हमको एक वर्ग अंतराल मिलता है, कोई फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगी। जैसे उसमें हम देखेंगे कि मान लीजिए एक से पांच पुरुष वाले, एक से पांच पुरुष मतलब परिवार, एक से पांच पुरुष वाले परिवार कितने हैं, रेंज देखेंगे, एक फिक्स वैल्यू नहीं मिलेगा हमको, ठीक है ना। तो खंडित में फिक्स मूल्य के लिए बारंबारता देखते हैं, अखंडित में वर्ग अंतराल के लिए बारंबारता देखते हैं, एक रेंज लेते हैं, उसमें देखते हैं कि क्या बारंबारता हमको मिलती है। तो एक उदाहरण के द्वारा ही इसको समझेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण लिख लेते हैं एक, और उसको सवाल के माध्यम से पूरा हम लोग सिस्टम समझ लेंगे, ठीक है। तो एक सवाल है, उसमें दिया हुआ है, इसमें 40 गांव दिए हुए हैं, और 40 गांवों में जो गेहूं का उत्पादन है उसका क्या मतलब क्विंटल में कितना उत्पादन 40 गांवों में हो रहा है, उसका आंकड़ा दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो कैसे दिया हुआ है, जैसे 40 गांव में जो दिया है आंकड़ा, वो आपको सवाल में कुछ ऐसे दिया रहता है, 51, 60, 100, 150, 130, इसको लिखते जाइएगा, 85, 68, 200, 140, 150, 190, 229, 178, 90, 60, 75, 195, 203, 211, 56, 153, 82, 059, 1, एट जीरो नाइन वन के बाद है 140, 148, 158, 154, 206, 80, 59, 163, 183, 125, 135, 115, 110, 110, 6, 8, 6, 5, ठीक है।
कितने हो गए? 1 2 3 4 4 4 आठ 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 पाँच 13 13 5 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 सवाल भी गलत लिखा है क्या? ठीक है, जो भी है जितना भी है लिख लीजिए इसको। इस तरह से मान लीजिए कोई आंकड़ा आपको दिया रहेगा और आपसे कहा जाएगा कि अखंडित बारंबारता बंटन निकालिए। तो इसमें आपको कुछ चीजें निकालनी होती हैं। उसमें क्या क्या निकालना होगा? इसमें तो सबसे पहले आपको वर्ग विस्तार निकालना होता है। वर्ग विस्तार मतलब कि कितने कितने का गैप करके आपको वो जो रेंज बनाना है, है ना। वर्गांतर, दो शब्द हैं इसमें, एक तो है वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार, और एक है वर्गांतर संख्या। वर्ग विस्तार और वर्गांतर संख्या लिख लिया आप लोग? लिख लिया आप लोग? लिख गया ना? चलिए, तो इसमें हम आपको बता रहे हैं ये वर्ग विस्तार और वर्गांतर क्या होता है। देखिए, वर्गांतर संख्या का मतलब यह है कि जो आप ग्रुपिंग बनाएंगे वो टोटल कितना बनेगा। जैसे मान लीजिए इसमें 50 से बनाए, मान लीजिए 50 से 60, तो ये जो इस तरीके के बनेंगे कितने नंबर बनेंगे ऐसे, उसको क्या कहते हैं? वर्गांतर संख्या। जैसे मान लीजिए 10 वर्गांतर संख्या होगी तो उसका मतलब ये होगा कि 50 से 60, 60 से 70, ऐसे 10 बार जाएंगे। पहला हो गया, दूसरा बनाएंगे 60 से 70, तीसरा बनाएंगे, इसको कहते हैं वर्गांतर, ठीक है ना। और वर्गांतर संख्या मतलब कि टोटल कितनी बार ये वर्गांतर क्या होगा लिखा जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये बात हुई। वर्ग विस्तार क्या होता है कि ये कितना है, जैसे इसका वर्ग विस्तार कितना है? 10। ज्यादा में कम घटाएंगे, जितना आएगा वही क्या होता है? वर्ग विस्तार। तो सब का वर्ग विस्तार सेम रहता है, है ना। वर्गांतर में जितने वर्गांतर रहेंगे सब का वर्ग विस्तार क्या रहेगा? सेम रहेगा, है ना। 10 का है तो 10 ही का सब में रहेगा, है ना। 5 का है तो 5 रहेगा, 15 का 15 रहेगा। ये निकालेंगे कैसे? अभी तो हमको यहाँ पे कुछ बताया नहीं है कि कैसे क्या करना है। तो इसके लिए अगर आपको वर्गांतर संख्या नहीं दी हुई है, क्योंकि वर्ग विस्तार निकालने के लिए वर्गांतर संख्या की जरूरत होती, तो मान लीजिए आपको सवाल में दिया है कि आप इसको 10 वर्गांतर संख्या के आधार पर अखंडित बारंबारता बंटन में बांटिए। तो 10 बारंबारता वर्गांतर संख्या दिया है, मान लीजिए नहीं दिया है तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने से कुछ मान लीजिए कि हम इतना निकालेंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग मान लेते हैं कि वर्गांतर संख्या कितनी है, कोई भी आप मान सकते हैं। तो जैसे उदाहरण में जो लिया है वही ले लेते हैं जिससे बाद में हमको उत्तर मिलाने में समस्या ना हो। तो इसमें जैसे उदाहरण के तौर पर 12 वर्गांतर संख्या लिया है। वर्गांतर संख्या क्या माना है? वर्गांतर संख्या
ले लिया है कितना 12, मतलब वो जो वर्गांतर बनेंगे वो 12 बनेंगे, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग विस्तार, कि जो यहाँ पे उच्चतम सीमा और न्यूनतम सीमा लिए थे वो कितना होगा, क्या नंबर का गैप होगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है, वर्ग विस्तार बराबर अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य बटे वर्गांतर संख्या, ठीक है। अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य और बटे वर्गांतर संख्या, ठीक है ना। ये है, इससे भी पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो आपको आंकड़े दिए गए हैं ना, इनको आप या तो आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में, या तो अवरोही क्रम में घटते क्रम में व्यवस्थित करेंगे, है ना। आरोही क्रम में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या, फिर आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए 1, 2, 5, 7, 2, 3, 9 ऐसे दिया है, तो इसको आपको जब मान लीजिए अवरोही में व्यवस्थित करना है, अवरोही मतलब घटते क्रम में, तो घटते क्रम में व्यवस्थित जब करते हैं तो सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, तभी ना घटेगा। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है ना, फिर 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2 और 1, और जो कौन सा क्रम होगा, आरोही क्रम। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम, है ना। बढ़ते क्रम में जो होगा वो क्या होगा, सबसे पहले 1 लिखेंगे इसको, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, फिर 7, फिर 9, है ना। तो ये तो क्लियर होना चाहिए, सबको पता होगा। तो हम या तो आरोही क्रम में या तो अवरोही क्रम में हमारे पास जो आंकड़े हैं उनको क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग सीधे उदाहरण से ही लिख लेते हैं डायरेक्ट, जिससे ज़्यादा समस्या, समय ना व्यस्त हो, नहीं तो आपको तो जो क्वेश्चन मिलेगा उसको करना ही पड़ेगा, है ना। तो जैसे इसमें इन्होंने व्यवस्थित किया है आरोही क्रम में, है ना, बढ़ते क्रम में, तो पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको सवाल जो मिलेगा तो उसमें सबसे पहले वही करना है कि पूरे आंकड़े को किस में व्यवस्थित कर लेना है, आरोही या अवरोही में। आरोही में व्यवस्थित करते हैं, ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि तो छोटे से बड़े की ओर जाना आसान रहता है। तो इसमें लिख लेता हूँ, आपके पास लिखा ही होगा, ये आरोही क्रम में है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए, 51, 56, 59, 60, 65, 68, 68, कई बार संख्या है तो वो उसी क्रम में वैसे ही पास में ही लिखा जाएगा, 75। हाँ, अरे वो 10 नहीं है, वो मिसप्रिंट है मुझे लगता है इसमें, वो अवरोही क्रम में तो मुझे लगता है वो 110 है, 110 है क्या कहीं बीच में, 110 भी है, सौ भी है, मुझे लगता है वो 210 है, 210 नहीं है ना, वो 210 है, वो 210 है, ठीक है, उसको 210 कर लेना, है ना। उसमें मिस प्रिंट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अवरोही आरोही क्रम में सही लिखा है। तो ये हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, ये प्रैक्टिकल एग्जाम जब होगा तो ये सवालें रहेंगी। तो 80, ये नॉर्मली वैसे भी आपको काम देता है, 84, 85, 90, 91, 100, 115, 125, 130, 135, 140, 140, 148, 150, 150, 153,
158, 163, 178, 183, 190, 195, 200, 203, 205, 206, 210, 211, 220, 229, है ना। ये हमारे पास जो है 40 जो आंकड़े थे उनको हमने किसमें व्यवस्थित किया है, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। अब इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, वर्ग विस्तार। तो वर्ग विस्तार के लिए जो अधिकतम मूल्य है और न्यूनतम मूल्य बटे वर्गांतर संख्या, हमने वर्गांतर संख्या स्वयं से 12 मान रखा है, तो इसमें जो न्यूनतम मूल्य है वो क्या है, 51 है, अधिकतम मूल्य क्या है, 229 है। इस सूत्र में रखेंगे, है ना, तो रखते हैं। अधिकतम मूल्य कितना है, 229 माइनस न्यूनतम मूल्य 51 बचे बटे वर्गांतर संख्या 12। ध्यान रखिएगा ये वाली संख्या आप अपने से निर्धारित कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं इसको, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 8, है ना, सीधे 9 में 1 जाएगा 8 बचेगा, 2 है इधर से 1 उधार लेगा, है ना, तो कितना हो जाएगा 12 में 5 जाएगा कितना बचेगा, 7। अब ये कितना बचा, 178 बटे 12, 178 12 भाग दीजिए कितना आ रहा है, 12 एकम 12 कितना बचा, 5 बचा, है ना, 58 तो कितना जाएगा, 48 कितना बचा, 10 दशमलव लगाएंगे 100 हो जाएगा, फिर 12 अट्ठे 96 4 बचेगा, ठीक है, एक ही अंक तक ले जाएंगे, 14.8 आया। और इसको दशमलव में ना रखते हुए पूर्णांक में रखते हैं, तो जैसे जब 8 है तो इधर एक बढ़ाया जा सकता है ना, ये आप जानते होंगे, जब दशमलव के इधर का अंक 5 से ज़्यादा होता है तो इसका 1 इधर बढ़ा लेते हैं, है ना, तो ये कितना कर सकते हैं, इसको हम 15 कर सकते हैं। तो हमारे पास जो वर्ग विस्तार आया वो कितना आया, 15 आया, मतलब हमको न्यूनतम से जो न्यूनतम मूल्य है उससे 15 जोड़ के वर्गांतर बनाना है, वो टोटल कितने वर्गांतर बनेंगे, 12 बनेंगे। मतलब न्यूनतम जो मूल्य है आपके पास 51 है, उससे आप 15 जोड़ के बनाते जाएंगे आगे, तो कुल कितने बनेंगे वर्गांतर संख्या, 12 में वो ख़त्म हो जाएगा, है ना, ठीक है, इसमें कोई समस्या है नहीं। अब इसमें भी जो आगे है दो तरीके से दिखाते हैं, जो वर्गांतर बनाने का है तरीका वो दो तरीके का है, इसको लिख लीजिए पहले फिर बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ग विस्तार आ गया है वह उसकी वैल्यू हमको कितनी मिल गई है, 15 मिल गई है। तो यहां लिख लेंगे वर्ग विस्तार कितना है, 15। अब इसका टेबल तैयार करेंगे, है ना, अखंडित बारंबारता बंटन, इसी में दो तरीके बता देंगे आपको, इसी में समझा देंगे। ये इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि आगे जब हम लोग माध्य माध्यिका पढ़ेंगे तो ये सब आएगा, तो बार बार वहां नहीं बताएंगे अखंडित और खंडित मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा चीजें। इसमें दो विधियां हैं, एक है समावेशी विधि
एक ही चीज निकालने की दो तरीके हैं, समावेशी विधि और एक है अपवर्जी विधि। अपवर्जी विधि इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। आप किसी एक विधि से सवाल में अगर बोला है कि समावेशी से निकालिए तभी, नहीं तो दोनों में से किसी भी एक विधि से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला कॉलम होगा उत्पादन का, जो कि किस में होगा, क्विंटल में, ठीक है। फिर टैली होगी और फिर क्या होगा, बारंबारता। ऐसे ही इधर भी होगा उत्पादन क्विंटल में, टैली बारंबारता। ठीक है, ये दोनों अलग अलग, मतलब एक ही चीज को दो तरीके से अलग अलग दिखा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें समझ लेते हैं कि ये दोनों अलग अलग तरीके क्या हैं, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। बन गया। देखिए, जो समावेशी विधि है उसमें क्या करते हैं कि जैसे आपके पास जो न्यूनतम मूल्य है ना, न्यूनतम मूल्य जो है उससे आप क्या करते हैं, वर्ग विस्तार बनाना, वर्गांतर बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। लेकिन बस इसमें ध्यान ये रखना होता है, जैसे उदाहरण के रूप में इसमें 14 का ही अंतर लेके चलेंगे, जैसे 15 आया था ना, उसमें 14 का ही अंतर, एक कम का अंतर लेंगे। जैसे 51 है तो 51 से क्या करेंगे, 51 में 14 जोड़ेंगे कितना होगा, 65, ठीक। अब क्या करेंगे, 65 से अगला शुरू करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। इसमें 65 से नहीं शुरू करके कहाँ शुरू करेंगे, 66 से, फिर इसमें 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 80 है ना, है? क्यों, क्योंकि इस दूसरा वाला देखेंगे समझ में आएगा। जैसे इसमें अब आइए, उसमें 14 हो गया ना, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 15 शुरू करेंगे, और जो इसमें ग्रुपिंग बनेगी, जैसे 51 है ना, तो वो बनेगी 50 से, 15 15 करके, कैसे, 50 से 65। अब ये जो 65 है उसमें 66 से शुरू किए थे ना, इसमें 65 से ही शुरू होगा। लेकिन फर्क यहां पे ये है कि जब आप ये वाला ग्रुप लेंगे और बारंबारता देखेंगे, अब 51 से 65 के बीच में कितनी वैल्यू है यह देखेंगे, तो 51 के 65 के बीच में कितने चीजें हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो 5 की टैली बनाएंगे और 5 यहां लिख देंगे, ठीक है। यहां जब बनाएंगे आप 50 से 65 और 65 से फिर कितना हो जाएगा, 80। तो यहां जब 65 जो इस वर्गांतर का जो उच्च वैल्यू है वही अगले वर्गांतर का निम्न वैल्यू है ना। तो यहां पे जब आप काउंट करेंगे वैल्यू को, तो इसको क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इसको छोड़ देंगे, ये वाला वैल्यू नहीं काउंट करेंगे आप उसमें, 50 से 65 में 65 को नहीं काउंट करेंगे, 64 तक काउंट करेंगे। समझ रहे हैं बात की नहीं, है ना। तो इसके बीच में कितना आएगा, 4 आएगा। समझ में आ रही बात की नहीं, तो यहां केवल 4 टैली लिखेंगे और 4 बारंबार। ऐसे ही इसमें अब 65 इस वाले में गिना जाएगा जो निम्न वैल्यू में रहेगा, ठीक है। तो अब 65 से 80, जैसे इसमें 66 से 80 गिनेंगे आप,
तो इसमें 80 भी रहेगा 66 भी रहेगा, तो कितना हो जाएगा? जैसे देखिए, 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 हो गया, लेकिन यहाँ क्या होगा, 65 भी शामिल होगा और 80 भी शामिल होगा, तो एक बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 14 इसलिए लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें क्या है, एक बढ़ा के अगला चल रहा है ना, अगले जो अगला जो ग्रुप वर्गांतर बन रहा है उसमें एक इतना जितना है सबको सम्मिलित करके आगे बन रहा है, इसमें क्या है कि इसमें कॉमन हो जा रहा है एक, ठीक है, इसीलिए इससे एक कम में उसको बनाते हैं, ग्रुपिंग का अंतर जो होता है, ठीक है ना। तो अगला फिर आप क्या बनाते जाएंगे, जैसे इसमें क्या बनेगा, 80 से 81 से कितना बनेगा, 95, फिर 96 से कितना बनेगा, 100, 101 से कितना बनेगा, 115, 115 से कितना बनेगा, 116 से कितना बनेगा, 130, है ना, सॉरी 96 से कितना हो जाएगा, 110, 111 से कितना हो जाएगा, 111 से हो जाएगा 125, और 126 से कितना हो जाएगा, 140, ये और आगे जाएगा, अभी कितना, 1 2 3 4 5 6 बना है, ऐसे ही 6 और बनेगा, है ना, तो जो लास्ट तक जाएंगे तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, पहुंच जाएगा लास्ट में 230 आएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसे ही बनाते जाएंगे और इसमें भी लास्ट में 230 आपको मिलेगा, है ना, और बाकी वही है कि आपको देखते जाना है कि उस रेंज में क्या क्या आ रहा है, कितनी संख्या है, उसकी टैली बना के इधर बारंबारता करते जाना, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका, इसमें आप अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो इस वाले तरीके से कीजिए, अगर इसमें कन्फ्यूज हो रहे हैं तो उससे कीजिए, है ना, ये वाले करेंगे ज़्यादा आसान रहेगा, समस्या नहीं होगी। इसमें बस क्या करना है कि जो उच्चतम वैल्यू वाला है उसको छोड़ देना है, वो अगले वाले में जाके जुड़ेगा, काउंट होगा, ठीक है ना, बस यही ध्यान रखिए, बाकी ठीक हो जाएगा। तो ये जो है अखंडित बारंबारता है, जिसमें हमने समावेशी और अपवर्जी विधि द्वारा अखंडित बारंबारता निकालना सीखा।